महोबा शहर स्थित मुकुंदलाल इंटर कॉलेज में आज डीएलएड बीटीसी परीक्षाएं संचालित थी। इसी दौरान परीक्षा दे रहे छात्र छात्राएं अचानक आक्रोशित हो उठे और ड्यूटी में तैनात कॉलेज प्रबंध तंत्र पर अन्य तरह के कई आरोप लगाते हुए कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा काटने लगी और मार्ग भी बाधित कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौका स्थल पर पहुंच गए और किसी तरह आक्रोशित छात्र छात्राओं को समझाकर मामले को शांत कराया। अब आप भी सुन लीजिए आक्रोशित छात्र छात्राओं की जुबानी क्या कहते हैं। मेरा नाम अनुराग है, मैं डाइट पर सचिव हूँ। क्या हो गया आज जो आप लोग ये जाम हम लगाए? आज इस सेंटर पे जिस तरीके से प्रिंसिपल सर ने एक रूम में खुला नकल कराई है उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष ना होकर के डाइट के बच्चों को परेशान किया गया, साथ में पुलिस प्रशासन के लोग रूम के अंदर आकर के गलत तरीके की बातें करते हैं और कॉलेज का प्रशासन हमारे साथियों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। ये कोई कहीं की मानवता की बात नहीं है और पकड़ करके बच्चों की कॉपी छीन ली जाती है। 10-10, 15-15 मिनट बाद कॉपी दी जाती है। एक घंटे के पेपर में अगर आधा घंटा आप कॉपी छीन लेंगे तो लिखेगा वो क्या? इस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग शांत रहने वाले नहीं है, प्रिंसिपल के साथ पूरे स्टाफ को मुकदमा लिखाएंगे और बात ऊपर तक ले जाएंगे। मानसिक प्रताड़ना है। दी जा रही, किसी क्लास में बिल्कुल हिलने नहीं दिया जा रहा, ये कहाँ का सर न्याय है? एक क्लास में 12-12 टीचर, व्यवस्थाएं कोई है नहीं, बैग हम लोग बाहर रखते हैं। कल एक लड़की का फोन खो गया, इसकी व्यवस्थाएं नहीं करी जा रही। देख देख के सीरीज फाड़ रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि हाँ बहुत टाइट माहौल है, किसी किसी को पर्सनल नकल करा रहे हैं। तो ये कहा गया ना, अगर सबके लिए टाइट है तो माहौल सबके लिए टाइट हो, व्यवस्थाएं आप पूरी कराते नहीं है। एक क्लास में आके 6-6, 8-8 टीचर खड़े हो जाते, कोई सोच के लिख रहा हो तो इनके चिल्लाने की वजह से सोच के भी ना लिख पाए। तो आप सेंटर यहाँ ना बनाया जाए, सेंटर व्यवस्थाएं, पिछली बार भी हम लोगों का सेंटर पड़ा था, सीरीजें जला दी गई थी, बच्चों के रुपए रखे थे उसमें 500-2000 रुपए जल गए उनके। ये बताइए का, अरे आप इतनी तो व्यवस्था करते हैं, बच्चे दूर से आ रहे हैं तो उनके बैग रखने की व्यवस्था, धमका रहे हैं बच्चों को, बच्चों को आके धमका रहे हैं। कोई कुछ बोलना है तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर देंगे। आप बताइए ये पेपर तक क्या था? आज पेपर प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम पहले दिन से है। कल पेपर हुआ, नया कोई सुविधा है, लाइट है नहीं, पंखा है नहीं, कोई पंखा चल रहा है कह रहे हैं इन्वर्टर से चल रहा है, हमारे ऊपर लगा है पंखा ही नहीं, क्लास में लाइट हो जा रही, दिख ही नहीं रहा, कह रहे अभी लाइट आएगी, लिखो लिखो जब तक लिखो। आज पेपर उसका हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, ये बीटीसी डाइट से हम लोग, डाइट सरकारी से, डाइट के बच्चों के जिसमें डाइट के बच्चे लगे वहाँ 8-8, 10-10 टीचर आ रहे, जमा करते टाइम 12-12 टीचर, अरे एक एक लाइन से कॉपी लो। किसी क्लास में भरपूर नकल करा रहे, पर्सनल बच्चे को दे के पर्ची दे रहे हैं।